यार मुझे इसकी बैटरी देखकर जियो भारत V2 का यार 1000 mAh की बैटरी देखकर बहुत हंसी आ रहा है। आगे का मैं आपको फुल अनबॉक्सिंग बताऊंगा और इसका डिटेल्स बताऊंगा। 1000 mAh की केवल बैटरी है। यहाँ पे जियो का जो भारत V2 का है इसका बॉक्स बहुत ही प्यारा दे रखा है और जियो भारत V2 4G है। ये मोबाइल 4G है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग 6/2023 यानी जून 2023 का है। इसमें ऑप्शंस क्या 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 है मैं ये भी आपको बताऊँगा। पहले इसकी डिज़ाइन आप देख लीजिए। जो बैक साइड में इसका कैमरा है, जो देख सकते हैं आप कैमरा कितना है, 0.3 MP का, और उस पर स्पीकर है, और यहाँ पे 3500 का पिन लगता है, एक ईयरफोन लगता है, FM रेडियो है, और यहाँ पे बटन एक प्लास्टिक जैसा बटन है, रबर का बटन नहीं है, प्लास्टिक जैसा है, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। कम से कम रबर का बटन देना चाहिए। और इसमें एकदम सिंपली जो कीपैड का मोबाइल आपका आता है, कॉल लॉक्स, SMS, मल्टीमीडिया टूल्स, ठीक है, नोट्स, फाइल मैनेजर्स, सेटिंग्स, कैमरा, उसके बाद इंटरनेट, क्लॉक, घड़ी, जियो सावन और जियो सिनेमा। बस मुझे इसमें जियो सावन और जियो सिनेमा देखने को मिला, बाकी और कुछ देखने को नहीं मिला है, जिससे आप गाना सुन सकते हैं, चला सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये फ़ोन जो है आपका जो 999 रुपये मार्केट में मिल रहा है, इसे केवल आप म्यूजिक सुन सकते हैं इंटरनेट चलाने के लिए। और इसमें जियो का ही सिम कार्ड लगेगा, जो नया ओपन कर आपको 123 रुपये में ही एक महीने का फ्री और 512 MB डेली डाटा के हिसाब से आपको तुरंत ही ओपन कर दुकान वाले इस फ़ोन को दे देते हैं। यहाँ पर हम भी इस फ़ोन को बेच रहे हैं और इस फ़ोन में क्वालिटी कुछ नहीं है, एक छोटा सा बटन वाला फ़ोन है, लेकिन इसमें खासियत है कि एक ही सिम लगेगा, वो भी जियो का सिम कार्ड लगेगा, और एक मेमोरी कार्ड लगेगा जो कि 128 GB तक सपोर्टर है। और यहाँ पे आप लुक शिक्षा देख सकते हैं और बैटरी बहुत ही छोटा है। इसको कम से कम बैटरी को कम से कम अच्छा देना चाहिए ताकि इसका बैटरी बैकअप अच्छा चले। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।